खबर बॉम्बे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही मुंबई से। महाराष्ट्र, कोरोना का कहर जारी है, तो लगातार कोरोना की दस्तक जारी है। पुणे के बारामती में कोरोना के मरीज बढ़ते हुए नजर आए हैं। कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र का ये हाल है, 7 गांवों का लॉकडाउन किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के ये बड़ा कदम उठाया गया है। डिप्टी सीएम के गाँव में भी तालाबंदी कर दी गई है। तो एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के 7 गांवों में तालाबंदी की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। डिप्टी सीएम के गांव में भी तालाबंदी की गई है। तो पुणे के बारामती में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ये मामला महाराष्ट्र के पुणे में बारामती गाँव का है, जहाँ 7 गाँवों को लॉकडाउन कर दिया गया है। डिप्टी सीएम के गाँव में भी तालाबंदी कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के ये बड़ा फैसला उठाया गया है सरकार के द्वारा। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले एक बार फिर से अब घटने लगे थे, लेकिन एक बार फिर से बीच में ये अब खबर आ रही है कि बारामती में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिस वजह से ये बड़ा कदम उठाया गया और 7 गांवों में लॉकडाउन लगाया गया। तो पुणे के बारामती में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लगातार मामले बढ़ते हुए एक बार फिर से नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के 7 गांवों को लॉकडाउन लगा दिया गया है। और इन 7 गांवों में डिप्टी सीएम का गांव भी शामिल है, जिसमें तालाबंदी की गई है। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आने लगे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले घटने लगे थे, लोगों में कहीं ना कहीं लापरवाही एक बार फिर से देखने को मिलने लगी थी। लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते थे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एक बार फिर से भूलने लगे थे। तो महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को